नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है। आज है हमारे पास वीवो का नया V15 स्मार्टफोन। कंपनी ने कुछ समय पहले वीवो V15 प्रो लॉन्च किया था, लेकिन आज हमारे पास वीवो V15 है। इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हेडलाइन में भी हमने प्राइस मेंशन कर रखा है। शुरुआत करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग से। खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक और बॉक्स मिलता है। इस के अंदर आपको मिलता है ये सिम इजेक्टर टूल, ये डॉक्यूमेंटेशन, और V15 प्रो की तरह ही आपको यहाँ पर सेम TPU केस मिल रहा है। और काफ़ी बढ़िया केस है ये, और ड्रॉप रेजिस्टेंट केस आपको मिलेगा इस फ़ोन के साथ। ये है वीवो V15 प्रो, वीवो V15 स्मार्टफोन। और मैं इस फ़ोन को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है तब मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या मिलेगा। ये है इस फ़ोन का चार्जर। ये एग्जैक्टली वही सेम चार्जर है जो आपको वीवो V15 प्रो के बॉक्स में मिला था। बिल्कुल वही सेम चार्जर आपको मिलता है। ये है माइक्रो USB केबल और ये हैं ईयरफोन्स। तो अभी हम सारी चीज़ों को साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है। इसकी ब्राइटनेस को मैं फुल कर देता हूँ। तो ये है वीवो V15 स्मार्टफोन। मैं बता देता हूँ आपको इस फ़ोन के फीचर्स। 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलती है, और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर जो प्रोटेक्शन है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की। इस फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है। वीवो V15 प्रो की मदद से आप 48 MP की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वीवो V15 में ऐसा फीचर नहीं है। V15 में आपको 12 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल वाली फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकता, 12 मेगापिक्सल की ही फ़ोटोज़ क्लिक करेगा ये। इस सेंसर में f1.8 अपर्चर है। जो 8 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, और जो 5 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो एक डेप्थ सेंसर है। और काफ़ी ग्लॉसी डिज़ाइन है ये, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स काफ़ी जल्दी आ जाते हैं इस फ़ोन पर। तो हम आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करेंगे कि आप इस फोन के साथ TPU केस को यूज करें। और यहां पे मैं इस फोन को अनलॉक कर देता हूं। रैम की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6 GB की रैम मिलती है। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। इस फोन में MediaTek Helio P70 प्रोसेसर दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको, अगर हम कैमरा ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इस तरह से ये यहाँ पे पॉपअप होकर आता है जब भी आप सेल्फी कैमरा पे स्विच करेंगे। तो 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है। और एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स। और आपने अगर पहले वीवो का फ़ोन यूज़ किया है तो आप फेमिलियर होंगे इस यूज़र इंटरफेस से। अगर हम यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाएं तो ये फ़ोन फन टच OS के साथ आता है। जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 9 पाई। जो प्रोसेसर है वो 2.1 GHz पर क्लॉक किया गया है। MediaTek Helio P70 प्रोसेसर है। 6 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है। एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 9 पाई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपने पहले वीवो का फ़ोन यूज़ किया है तो आप फन टच OS से फेमिलियर होंगे। यहाँ पे आप नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्विक टॉगल मेन्यू मिल जाएगा, जहाँ से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप डेटा नेटवर्क ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई वाली सेटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। हमने इस फ़ोन को ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। फ़ोन जब आप सेटअप कर लेंगे तब आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, पेटीएम, न्यूज़ पॉइंट, फ़ोनपे, फेसबुक जैसी ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और 6 GB की रैम है इस फ़ोन में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीटास्किंग और डेली यूसेज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसके कैमरा मेन्यू को अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो ये इसका कैमरा सेटअप है। और यहाँ सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो आप 4:4:3 या 19:5:9, 16:9 के एस्पेक्ट रेशियोज़ में आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। टच, वॉइस और पाम, तीन तरीके से आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। AI सीन आइडेंटिफिकेशन का भी इसमें फ़ीचर है, और AI पोर्ट्रेट फ्रेमिंग का भी फ़ीचर आपको मिल जाता है। इस फ़ोन से आप फुल HD और 4K दोनों वीडियोस शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको
अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये हैं इस फ़ोन में फ़िल्टर्स, और यहाँ पे आप डायरेक्टली एआई को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एआई सीन रिकग्निशन वाला फ़ीचर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको एआर स्टिकर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और एआई ब्यूटी मोड का फ़ीचर भी दिया गया है, और इस फ़ोन में प्रो मोड भी है, और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए भी आपको एक अलग से यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो दैट्स इट गाइज, ये है वीवो का V15 स्मार्टफोन। वीवो V15 प्रो और V15 में कुछ डिफरेंसेस ये हैं, जैसे कि आप V15 में 48 मेगापिक्सल वाली फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते। V15 प्रो में स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर भी मिलता है। हीलियो P70 प्रोसेसर मीडियाटेक का बिल्कुल नया प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर हमने अभी हाल ही में रियलमी 3 में भी देखा था। रियलमी 3 की भी हमने अनबॉक्सिंग करी है, और उस फ़ोन में भी हमने कुछ गेम प्ले शूट किया है, तो आप जाकर उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दैट्स इट गाइज, ये थी वीवो V15 की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक लुक। हम बहुत जल्दी आपके लिए इस फ़ोन का रिव्यू भी लेकर आएंगे, इस फ़ोन पर आपको पबजी भी खेलकर दिखाएंगे, इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स के बारे में भी और कैमरा क्वालिटी के बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे अपने रिव्यू में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।